अज आपां जिहड़े रीसेंट दे विच कुछ गल्लां बातां होईआं ने उहदे नाल संबंधित की गल्लबात है। पहला ग्रंट फिर की आ साथीओ, एक ना अवार्ड हुंदा गा टैंपलटन अवार्ड। टैंपलटन अवार्ड ये दुनिया का अवार्ड है, बहुत बड़ा। क्वेश्चन आऊगा पहली गल कि टैंपलटन अवार्ड कि चीज़ न संबंधित है, तो मोस्टली असं देखते हैं कि अवार्ड ने ना बुक्स न संबंधित होंगे ने, ज़्यादातर जो तुक्का मारना हो उमें टैंपलटन अवार्ड लेखकों अब साहित्य के खेत्र का, बुक्स के खेत्र का, नॉवल्स के खेत्र का बहुत बड़ा की अवार्ड है। कि अवार्ड टैंपलटन अवार्ड तो हर साल किसी ना किसी बंद अवार्ड मिलते हैं, तो रीसेंट के हूँ भी टैंपलटन अवार्ड मिल के हटिया। कि बंद नाम हैगा फ्रैंक विलचेक, नाम की हैगा फ्रैंक विलचेक। इनू की मिलेगा नोबल, इनू साहित्य का नोबल कहते हैं टैंपलटन अवार्ड। तो यह फ्रैंक विलचेक मिलिया, यदि बहुत सारिया वधिया नॉवल्स है, अब एक नॉवल ही नहीं मिलता, अब पर कोई बंदा बहुत वध्या लेख हो गया ना, तो उन काफ़ी किताबा आई हो तो उन्होंने मिलता, एक बुक लिए नहीं मिलता, कि किताबा नहीं हो सकता, पर लेख बहुत वधिया हो गए। तो नॉवल जो विलचेक फ्रैंक विलचेक इनू की मिले गा इस साल का टैंपलटन अवार्ड की दिता गया। हाँ फ्रैंक का नाम तेजी लिखो माड़ा काम बाबा करवा। अगे चल रहे हैं साथियों, इदा ही एक भारत का भी अवार्ड अवार्ड की गल करते हैं। रीसेंट के भारत में एक अवार्ड मिलता रॉयल गोल्ड अवार्ड, रॉयल गोल्ड अवार्ड मिलता, काफ़ी फेमस अवार्ड है भी रॉयल गोल्ड अवार्ड। कादे च मिलता है आर्कीटेक्ट, आर्कीटेक्चर आर्कीटेक्चर समझ लेना, कोई बिल्डिंग बनानी हो, बिल्डिंग का नक्शा, अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स अजकल वातावरण के बेस काफ़ी बिल्डिंग्स की गल की जा रही है कि सानू वो बिल्डिंग चाहिए ने कि जड़ियाँ कहना मतलब वातावरण चाहन, ज़्यादा ए सी लाने की लड़ ना पवे फिर ठंड रहे वो विचकार, ज़्यादा हीटर लाने की लड़ ना पवे गरमैश रहे, तो यह जो बिल्डिंग्स बनाने की गल की जा रही है। तो भारत के भारत का अवार्ड है रॉयल गोल्ड अवार्ड आर्कीटेक्चर के इस साल का जो सब तो बेस्ट आर्कीटेक्चर आ वो अवार्ड बी बी दोषी ना रखना, मुंबई तो बिलोंग करते हैं बी बी जोशी जी, बहुत वधिया आर्किटेक्ट ने, उन्होंने अवार्ड दिता गया। हम क्वेश्चन ये नहीं आता कि रॉयल गोल्ड अवार्ड क्यों दिता गया, वो कहनी है कि रीसेंट के बी बी जोशी का नाम काफ़ी अगे रहा। बी बी जोशी कौन, बी बी जोशी कौन ने, कोई सिंगर नहीं है, भारत के बहुत वधिया कि आर्किटेक्ट ने, तो भारत की सरकारी ने बिल्डिंग ने उन्होंने बनाने का सेहरा किनू जाता है बी बी जोशी जी जा। अगे चल साथियों, भारत की मिसाइल है तीजी ग्रंट के भारत का, भारत की मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, बहुत ही ज़्यादा फेमस मिसाइल है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। साथियों ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत की पहली सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल साथियों, भारत की पहली कि मिसाइल है सुपरसोनिक मिसाइल। वट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल, अभी देखते हैं जिहड़ियां मिसाइलों की स्पीड साड़ी बोलन की स्पीड तो ज़्यादा हो, जिन्ना मिसाइलों की स्पीड साड़ी बोलन की आवाज़ की गति तो ज़्यादा हो मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता। असं देखते हैं साड़ी बोलन की गति कि 224 मीटर प्रति सेकेंड साड़ी की हैगी बोलन की गति है, तो जिहड़ी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है ये नालों 5 गुना ज़्यादा तेज है, लगभग 1120 मीटर प्रति सेकेंड 1 सेकेंड के 1120 मीटर अब किलोमीटर तो उपर भी दूरी की करती तय करती है। तो यह भारत की सब तो तेज मिसाइल आ जिहड़ी कि मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल साथियों। पहला ही मिसाइल का जिहड़ा एक्सपैरीमेंट आप मिसाइल छड्डांगे ना किसी तो, पहला ये सिर्फ मतलब धरती तो पाव अपने टैंक के उत्ते ला देंगे वो तो छड़ते, जां फिर नेवी वाले जहाज तो छड़ते, पर हुण रीसेंट दे विच इन्होंने एक्सपैरीमेंट किया गा एयरफोर्स के नाल, एयरफोर्स के राही दैट इज ये की कर रहे हैं मिसाइल नूं कि लॉन्च किया
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕੋਈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਸੁਖੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਖੋਈ 30 ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸੁਖੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਖੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਐਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਆ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸੁਖੋਈ 30 ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਖੋਈ 30 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਜੈਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ 40-40 ਸਾਲ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖੋਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਏਅਰ ਜੈਟਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਫਾਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਫਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਏਅਰ ਜੈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਫਾਲ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਖੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਅਤੇ ਮੌਸ ਨਾਂ ਆਇਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਆ ਮੋਸਕੋਵਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਪਲੱਸ ਮੋਸਕੋਵਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਆ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਰਤੀ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਟਾਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਾਥੀਓ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਛੱਡਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਛੱਡੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਕਿਰਨਾਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਦਾ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰ ਇਹ ਐਗਜੈਕਟ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਭੀਮ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੀਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਟੀ ਮਿਸਾਇਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਇਰਨ ਬੀਮ ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਬੀਮ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਦਾ ਆਇਰਨ ਬੀਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਇਰਨ ਬੀਮ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਲਿਓ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ
श्रीलंका के कहना मतलब लोगों ने की विद्रोह करता सीगा अपने राजियां दे प्रति है ना, क्योंकि उत्थे काफ़ी ज़्यादा मंदी आ गई सी, समान नहीं सी मिल रहा खाने पीने, लोगों ने रुपये भी है ने पर फिर भी की उन्होंने समान नहीं मिल रहा। तो उत्थों के प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री वो देश छड़ के भज गया, देश छड़ के की वो चला गया, उन डर सी कि मैं कि कर देना मार ना देना, तो वह भज गया। तो प्रधानमंत्री की पोस्ट खाली हो गई ना, तो क्वेश्चन बनूंगा कि रीसेंट के नवा हूँ नवा प्रधानमंत्री नियुक्त किया कितों का, श्रीलंका का। तो श्रीलंका का नवा प्रधानमंत्री का नाम की हैगा, नाम की रखना इन्होंने है रनिल विक्रम सिंघे, रनिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के नवे प्रधानमंत्री बने ने। ये ओपोजिशन लीडर से उतों के कहना मतलब जो बंदा भज गया पहला वाला तो राजापक्षे महेंद्र राजापक्षे, तो उस तो बाद इन्हों रनिल विक्रम सिंघे श्रीलंका का नवा प्रधानमंत्री बनाया, रनिल विक्रम सिंघे। दूजा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया कि राष्ट्रपति कौन ने, राष्ट्रपति कौन ने श्रीलंका के, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति नाम भी रखना गया काफ़ी प्रचार रहा है, यहाँ है गोटा गोटाबाया, गोटाबाया राजपक्षे, इन्हों है गोटाबाया राजपक्षे। क्या रखो ये है राष्ट्रपति पेपर से पूछे जा रहे हैं, कल परसों में कल परसों ने करना रेडियो तुम देखा करो, रेडियो तो एक प्रोग्राम चलना, प्रोग्राम चलता भी दो क्वेश्चन पूछते हैं, जे तुम दो क्वेश्चन आंसर देता कहना मतलब तो 1500 रुपये 2000 रुपये कोई भी गिफ्ट टाइम पर देंगे रेडियो से चलना आने गल। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा किसी कुड़ी को, कोई डेट पूछा जी क्वेश्चन उन्होंने आता सीगा, उन्हें आंसर देता समझे गल। उन्हें दूजा क्वेश्चन की पूछा कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन, श्रीलंका राष्ट्रपति उन्होंने बहुत दिमाग दूंग लाया उन्हें सोचे पर उन्होंने उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया तो वो गिफ्ट टैंपर से वह रह गया समझे गल। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तुम भी मत्था मुत्था मारा करो, रेडियो लाभ कितना कता जी पॉस टाइमिंग लगता वो सवेरे करते 7 to 9 रेडियो ला के ना क्वेश्चन पूछते होंगे ने, दो ही पूछेंगे बस, पहले तो उत्तर देता फिर दूसरा पूछेंगे जी पहला ही नहीं आया पर गल कर पूछते हो करंट फिर दी तुम्हें, ये 2-3 दिन का करंट फिर जहाँ मैंने पता लगता मेरे को बस अखबार चक लेंगे ने उदा का 1-2 दिन का पहला उन तो क्वेश्चन बन गए वो पूछ रहे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा जी आप कुड़ी में आया नहीं है वोटा पाया राजापक्षे कहना मतलब राष्ट्रपति ने कितों के श्रीलंका बजा रखना है, क्लीयर है गल। अगे बढ़ते हैं अगे साथियों, सोनू पता कि साड़ी भारतीय सरकारी कंपनी सी एयर इंडिया, एयर इंडिया साड़ी हवाई जहाजा की सरकारी संस्था सी, तो रीसेंट के अपन बेचता है ना, बेचता सीगा एक प्राइवेट फर्म को कि भाई सब तो चलाई नहीं जा रही घाटा बहुत पै रहा एयर इंडिया से, तो असीं बेच दें, तो एयर इंडिया बेचती सी। पहला क्वेश्चन ये बनू भी एयर इंडिया बेची कि कंपनी ने बेची है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ बहुत पेपरना जा रहा, एयर इंडिया बेची आप टाटा कंपनी, ध्यान रखना ये गल, ये लई खरीदी भी सरकार ने टाटा तो ही सी समझे गल। 1945-46 जो भारत नवा बन जा रहा है ना, तो उन्होंने की किया रुपये दे के इन टाटा कंपनी ये बना लिया सरकारी बना लिया, सरकारी बना लिया तो ना की रखता एयर इंडिया, उस टाइम से टाटा जो मालक से ना वो कौन सके, ध्यान रखना टाटा कंपनी का स्टार्टिंग फाउंडर कौन है, जमशेद जी टाटा, टाटा कंपनी के मालक फाउंडर जिन्होंने टाटा कंपनी लाई है वो कौन ने, जमशेद जी टाटा इन्होंने लाई है। किड्डी माण वाली गल, इन्हां दे नाम ते भारत का एक शहर भी है, भारत का शहर इन्हां दे नाम ते रखा गया केड़ा, जमशेदपुर, जमशेदपुर शहर जमशेद जी टाटा के नाम से रखा गया, क्योंकि उन्होंने उत्थे बहुत बड़ी फैक्ट्री लाई सी, तो लोगों को रुजगार दिता जी बड़े पद्धर से, तो लोगों ने खुश होकर सरकार ने खुश होकर वो शहर का ना ही रखता सीगा जमशेदपुर। हुण मैं तुहानूं कल पुछूंगा होमवर्क तुहाडा कि जमशेदपुर शहर भारत के किहड़े राज विच आउंदा, भारत के किहड़े राज जमशेदपुर शहर आउंदा, तुहानूं कल मैं ये गल पुछूंगा तुहानूं पता होनी चाहिए। साथियो जमशेद जी टाटा ने टाटा की कंपनी लाई सी, कादी टाटा कंपनी काफ़ी काम करती है, एक उन्होंने जहाज चलाए थे भारत के पहले पायलट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पहले पेपर आया भारत के पहले पायलट कौन ने जिन्हें को लाइसेंस सीगा जहाज चला का, साथी वो भी कौन ने, जमशेद जी टाटा ने, ध्यान रखना इन्होंने कंपनी लाई, इन्होंने लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेके इन्होंने सब तो पहला भारत के विचकार किनू चलाया जहाज़ में एयरप्लेन एरोप्लेन चलाया
तो पहले बंदे ने तो बाद सरकार ने इन्होंने बेचती कंपनी सरकार सरकार ने पहला वधिया काम किया परंतु पिछले 15-20 साल घाटे तो घाटा 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 पैंने काफ़ी बड़ा घाटा दैट इज की हो गया से अराउंड 40-50 हज़ार करोड़ के घाटे चल रही थी अपनी एयर इंडिया तो लगे भी यार घाटा सब तो पूरा नहीं होना तो इन्होंने बोली लाई सरकार ने भाई कोई बंदा हैगा जो साड़ी एयर इंडिया खरीदना चाहता तो बाद टाटा कंपनी ने हम दोबारा वो एयर इंडिया कर लिया खरीद लिया हूँ टाटा कंपनी के मालिक कौन ने शाबाश ये इन्होंने बेटे ने जमशेद जी टाटा जी के बेटे ने रतन टाटा ये कहने का मतलब चलाते हैं इन्होंने खरीद ली है हूँ जो कंपनी खरीदी तो सूँ पता हरेक कंपनी का एक मुखी होंगे सीईओ यदा मालक ने ना ये थोड़ी चलाने इतना इन्हें तो खरीद ली बस हूँ बंदा लाने के भाई तुम चलाओगे इनका मतलब ना वो बंदे जोड़ा कि टाटा के हम एयर इंडिया चलाऊगा वह नियुक्ति की है टाटा ने समझे कल ये न्यूज़ रहा नवा सीईओ बनाया गया जिदा ना है कैंपबेल अंग्रेज बंदा कैंपबेल मिल्सन नवा सीईओ लाया गया एयर इंडिया का जी हम प्राइवेट कंपनी बन चुकी है टाटा दे अंडर कैंपबेल मिल्सन साथियों ये कैंपबेल मिल्सन से पहला सिंगापुर दी एयरलाइन के सीईओ रहे हुए तो सिंगापुर की एयर सब तो बेस्ट बंदा लाया सब तो ज़्यादा जहाज सिंगापुर जाते हैं सिंगापुर वाला बंदा होगा उन्होंने बहुत नॉलेज होगी तो सिंगापुर तो बंदा पढ़ के लैके आए हैं है तो बंदा अंग्रेज है पर काम करता है सिंगापुर के उतों पढ़ के लैके आए हैं तो उतों दैट इज कि चला एयर इंडिया में दोबारा तो पटड़ी से लैके मिल्सन वो तो हो हजे पर उन्हें किया नहीं है हाँ जे चेंज करोंगे फिर पढ़ा वो गल हो गया हजे पर एयर इंडिया ही ना रख हजे नाम नहीं पता पर टाटा एयर इंडिया कर देंगे हो सकती है अगे चलते हैं अगे साथियों बेसिकली न्यूज़ आ की न्यूज़ आ कि बीपी आप कल गल करते बीपी की तो बीपी की एक रिपोर्ट आई है ब्लड प्रैशर की कि लोगों का बीपी ज़्यादातर वाधा घटना नहीं है वाधा तो बीपी वाधा बीपी के वधन इंग्लिश के हाइपर टेंशन कहते हैं ध्यान रखना तो बीपी का वधना की कहता है हाइपर टेंशन बीपी का घटना की कहता है बीपी का घटना की कहता नो इट इज हाइपोटेंशन बखरी गल आई पर दैट इज कि हाइपर तो हाइपो ध्यान रखना बीपी का वधना की हाइपर टेंशन घटना की हाइपोटेंशन लोगों का ज़्यादा बीपी वाधा तो माड़ी गल आ रिपोर्ट आई है कि भारत के 23% लोग भारत के 23% लोग हाइपर टेंशन का कि शिकार ये बेसिक जी गल कई बार पेपर जाए तो पूछा जाता नवी रिपोर्ट आई है कि 23% लोग इधर आ गए मैं भेज देना उधर होकर बैठो अगर तो हाइपर टेंशन दैट इज कि है 23% लोगों का कहने का मतलब की है इनक्रीज होगा 23% जो लोग ने उन्होंने दैट इज कि हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है अगे ना हो अगे बदो अगे जा रहे साथियों असं देखते हैं कुछ ब्रांड अंबैसडर किसी कंपनियां के जेडे कि हमेशा पेपर से पूछे जाते हैं ब्रांड अंबैसडर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ साड़ी बहुत ही फेमस कंपनी है लुईस ब्यूटन सुने कंपनी का नाम है वर्ल्ड की बहुत तकड़ी कंपनी है कॉस्मैटिक्स यूज कर समझे गल उन्होंने कॉस्मैटिक समान आता गा वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है लुईस का प्रोडक्ट इन्होंने बहुत तकड़े होंगे ने 5-6 हज़ार के एक प्रोडक्ट आते हैं लुईस वाले का तो लुईस की ब्रांड अंबैसडर जी नवी चुनी गई है वो माण वाली गल है कंपनी अमेरिका की है परंतु यदा ब्रांड अंबैसडर किनू बनाया गया है दीपिका पादुकोण बनाया गया ध्यान रखना कि जी ब्रांड अंबैसडर लुईस ब्यूटन की वह क्यों कौन बनाई गई है इट इज़ दीपिका पादुकोण बनाई लेबा कि ब्रांड अंबैसडर ऑफ लुईस ब्रांड अंबैसडर ऑफ लुईस ब्यूटन दीपिका पादुकोण गुड दीपिका पादुकोण का नाम पहला भी आया सीगा पहला बाबा तो 5-10 दिन पहला मैं तुम दस कांस फेस्टिवल होंगे कांस फेस्टिवल
कान फेस्टिवल आप पढ़िया सीगा कि देश हुंदा गा फ्रांस दे विच हुंदा तां फ्रांस दा जिहड़ा कान फेस्टिवल आ जिहदे तां फिल्मां कि फिल्म वधिया कि फिल्म माड़ी आ उहदे लई जूरी बहिंदी आ जज बहिंदे ने कि फिल्म वधिया कि फिल्म माड़ी आ सत्त जज हुंदे ने इस बारी माण वाली गल आ इह वी कि वह एक जज जिहड़ी बनाई गई सी कि फिल्म वधिया कि फिल्म माड़ी आ उह चों एक जज कान फेस्टिवल फ्रांस वाले दे विच कौन सीगी दीपिका पादुकोण जज बनाया गया सी भाई डिस्क्रिप्शन फिल्म चेक करने कि फिल्म माड़ी है कि फिल्म माड़ी तो कांस फेस्टिवल जी जूरी सी उस जूरी चो एक बंदा कौन सी अपने भारत का सीगा दैट इज दीपिका पादुकोण करके काफ़ी न्यूज़ चा दूजे नंबर पर इसका लुइस व्यूटन जो काफ़ी बड़ा ब्रांड आ कॉस्मैटिक्स का वो की बनाई गई है अंबैसडर बनाई गई अगे चलता कांस फेस्टिवल कि साथियों रीसेंट के करना गूगल थोड़ा तो पता गूगल के करना गूगल ट्रांसलेटर हों गूगल ट्रांसलेटर हों को गल आ गई तुम वो गल गूगल ट्रांसलेटर दबाओ नाल तक लैंग्वेज की बना के दे दो अज हजे तक टोटल 133 भाषावान गूगल ट्रांसलेटर के दुनिया दियाँ 133 भाषावान कि आ गई गूगल ट्रांसलेटर से आ गई तुम किसी मर्जी भाषा की ट्रांसलेशन करनी है तो बाई यूजिंग गूगल तुम ट्रांसलेशन कर सकते हो पहली गल कर हूँ माण वाली गल की है कि इन्हें रीसेंट के भारत दियाँ 8 होर भाषावान भारत दियाँ 8 होर भाषावान भी गूगल ट्रांसलेटर के करता गया ऐड करता गया 8000 रखना गल इंपोर्टेंट भाषावान के नाम ही ने पर पेपर भाषावान के नाम नहीं पूछते भाषावान है असामी लिखने की लड़ नहीं असामी भोजपुरी संस्कृत डोगरी कोंकणी मणिपुरी मैथली ते मिजोरम ये भाषावान ने 8 भाषावान इन्हों ऐड कर लिया गया है गूगल ट्रांसलेट ये बहुत खुशी वाली गल है क्योंकि हुण जो मिजोरम का बंदा क्योंकि उत्थे ना पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा तो उन्होंने बहुत बेनीफिट होगा इंग्लिश गल आई उन्होंने नहीं समझ लगती तो नाम गूगल ट्रांसलेटर के करके कर देंगे जे गल अपनी पंजाबी हाँ अपनी पंजाबी पहला ही गूगल ट्रांसलेटर के करके ध्यान रखना पंजाबी तो पहली गूगल ट्रांसलेटर तो हैगी हिंदी पंजाबी दी अपन भाषावान ने ऑफिशियल लैंग्वेज वो तो पहली ऐड की हुई हैं उन्हें मिजो असामी ये साड़ियाँ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है पर फिर भी बोलिया जाए क्वेश्चन आओगे भारत दियाँ कुल कितनियाँ ऑफिशियल लैंग्वेज ने भारत दियाँ कुल कितनियाँ ऑफिशियल लैंग्वेज ने हाँ उतरों भारत दियाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ने ध्यान रखना यह गल भारत दियाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जिन्होंने संविधानिक दर्जा मिलया हुआ उन्होंने गिनती कि 22 तो एक होर ध्यान रखना कि अंग्रेजी साडे भारत की संविधानिक भाषा नहीं है बहुत पेपर क्वेश्चन आ गया इंग्लिश साड़ी संविधानिक भाषा नहीं हैगी 22 भाषावान संविधानिक भाषा का दर्जा दिता हुआ टोटल भारत दियाँ 22 भाषावान संविधानिक भाषा दर्जा मिलया हुआ अंग्रेजी साड़ी संविधानिक भाषा नहीं हैगी एक निकी जी गल नेपाली नेपाली भाषा सू देख लोग भी नेपाल च बोली जाती हो पर नहीं साथी हो यूपी बहुत बड़ा आ यूपी आ यूपी के उपर आ की आ गया नेपाल अद्धा यूपी आ यूपी का उपरला हिस्सा सारा कि भाषा बोलता गा नेपाली भाषा बोलता तो नेपाली भाषा भी साड़ी भारत की कि भाषा की संविधानिक भाषा बनी हुई है ध्यान रखना गल नेपाली बनी हुई है तो अंग्रेजी नहीं हैगी दो गलत ध्यान रखना बाकी तुम कुका मार लो बाकी तुम आंसर आ जाएगा अगे चलिए अगे वादे साथियों और अगे की हैगा कि रीसेंट दे विच ना साड़ी कहना मतलब कंपनी है सुनो पता ना 3-wheeler आउंदे थ्री व्हीलर बड़े पद्धर से इंडिया च बिकते हैं क्योंकि चलाने वाले ऑटो रिक्शा वाले इन्हें यूज करते हैं भारत की सब तो बड़ी 3-wheeler फैक्टरी लग रही है भारत की सब तो बड़ी 3-wheeler फैक्टरी लग रही है क्वेश्चन कि राज्य लग रही है ये लग रही है ब्रुत तेलंगाना ध्यान रखना तेलंगाना के विचकार भारत की सब तो बड़ी 3-wheeler 3 पहियां वाली जी आँदी ऑटो रिक्शा आता वो फैक्ट्री लग रही है कितने तेलंगाना कौन सरकार लाऊंगी
पेपर च क्यों पाने के बंद अवेयर हो गए वो धर्मा पिछ लड़ी जाए कोई बिना गलों पिछले लड़ी जाए वो अवेयर हो गई प्रॉब्लम्स की चल रही है सानू का लौट है तो कौन हाथ फड़े पौना घंटा हो कर लैन बाद चो कर ली काम मेरी गल का मैं कह कॉन्सनट्रेशन जो तू पढ़ रहे तेरा दिन इधर ही होना चाहिए बाकी कुछ मर्जी चाहे भुचाल आ जाए फिर भी तू बैठा पढ़ी जाता हूँ यार हाँ जी गल चक्या फोन पौना घंटा हो गया कितने मेरे कहीं कहीं देखी जाना कहीं उधर देखी जाना की तेरा ध्यान है मेरी गलों के कर चलो अगे बढ़ते साथियो का ध्यान रखना कि तेलंगाना के विचकार भारत की लग रही सब तो वो फैक्ट्री लग रही है जी हाँ नहीं जमीन मिलती है साथी वो जमीन मिलती है पर उही गल है ना जो कोई ये अदमिट फैक्ट्री लगती है वजिए क्वेश्चन आ तो सरकार तो कोई प्राइवेट फर्म कट्ठिया होकर लाने फैक्ट्री सरकार जमीना देती है सरकार टैक्स होंगी है बहुत वजिए क्वेश्चन है जरा बहुत सारी सरकार टैक्स माफ कर दी ने भाई साढ़े हाथ फैक्ट्री लग के जाओ असं तुम कोई टैक्स नहीं कोई भी हूँ देने जरूर दो साल तीन साल चार साल ये बंद करो तो कल फैक्ट्री लगती थी उ गल ने ना हूँ कोई बंदा जरा जिन्हें फैक्ट्री लाई वो कहूँगी मैं करो जो साढ़े रोड पास वाला मिले बस फिर आई गल ने हूँ जेकर जमीन प्राइवेट हो गया बस उ ना देखो जो बंद ने कोई फैक्ट्री लानी वो सोचूगा भी मैंने कोई झंझट ना हो झंझट खत्म करने की पावर कि सरकार को सरकार ने कहूगी सूँ कोई जनता नहीं भाई जाकर फैक्ट्री लाओ जो काम होगा अभी आप ही करा के देवे यार तुम्हें टेंशन है फिर बंद भजे होगा बिजनेसमैन भी मैं फैक्ट्री लाने तैयार बैठा पर जो आप ही मत्था मारो हूँ जिन्हें फैक्ट्री लाई वो छोटा मोटा बंदा वो बड़ा बंदा हो ना वो कहना मेरी चार फैक्ट्री होर चल दी मैं उत्तर फोकस कर लूँ मैं क्यों लड़ाई रेज करके जो मैं गल करके यही प्रॉब्लम आने यही प्रॉब्लम जो हल होगा जो मैं समझाया कि गुजरात आप कहना गुजरात हरेक की चीज़ क्यों लग रही है गुजरात के गांधी नगर के कोल उन्हें की बनाती गिफ्ट सिटी बना दी बाउंड्री मारती एरिया लैके सरकारी एरिया बाउंड्री मारती भाई आओ पाँच साल सू फै पाँच साल सू कोई टैक्स देने की लड़ थोनू की चाहिए बिजली चाहिए थोड़ी बिजली चौबी घंटे असं प्रोवाइड करावे थोड़ा चौबी घंटे बिजली मिलेगी थोड़ा टेंशन लेने की लड़ थोनू कोई की चाहिए जमीन चाहिए जमीन के कागजात थोड़ा एक दिन देश कर एक दिन च दवा लेंगे तुम आओ रुपये दो एक दिन थोड़े को जमीन थोड़े को आई थोड़ा किसी गल कर लड़ नहीं तो पाँच साल टैक्स देने की लड़ नहीं हूँ बंदा फिर उही पंजाब जाऊगा कि गुजरात जाऊगा गुजरात जाऊगा कि भाई मैं उत्थे जाके लाने मैंने पाँच साल टैक्स फ्री है हूँ पर पाँच साल टैक्स फ्री करके जिन्हें बंदे गुजरात की फैक्ट्री लाऊगा वो बंदे कितों रखूगा गुजरात ही रखूगा ना तो इनका एंड उन्होंने फायदा कि पास होगा गुजरात वाले लोगों को रुजगार ताइयों गुजरात ज़्यादा तरक्की पर चल रहा एज कंपेयर टू अपने नाल पर मतलब यही नहीं कि अपने को नहीं है दो मिनट जी गल चल रही थी तो वह आंसर यही है पुत्रो भी कहने का मतलब आप सीखने गल् तो हूँ ताइयों जो आप वोट पाने अगे बढ़ जाए अगे चलते हैं तो साथी वो एक तो सब तो बड़ी जी फैक्ट्री लग रही है थ्री व्हीलर की अपने भारत विचकार लग रही है कितने लग रही है तेलंगाना च लग रही है ध्यान रखना दूजे नंबर साथी हो बल्चर्स आ बहुत वजिए पॉइंट है बल्चर्स बल्चर जीन बैंक बनाया जा बल्चर जीन बैंक साथियों बल्चर्स की होंगे ने गिदा हों गिदनी होंगे ना जिड़िया दैट इज की आ मरे हुए जीवन खादियां ने है ना तो वह की ने बल्चर्स ने इंग्लिश कहने बल्चर्स साथियों भारत में दुनिया सब तो ज़्यादा बल्चर्स पाई जाती सी पर बहुत ही तेजी नाल हो रही ने मर रही बहुत तेजी नाल मर रही ने कारण कारण मतलब भी क्यों मर दें भाई तो पता लगता भी ये किनू खादियां ने यह जानवरों को खादियां ये किनू खादियां ने जानवर खाते हैं आप मझा सटे उन्होंने बहरले पास जाके हड्डा रोड़ी पर वो कौन खादी ने बल्चर्स वगैरह खाते हैं कुत्ते खाते हैं बल्चर्स खादिया ने साथियों पता लग्या कि भाई ये बल्चर्स बड़े पद्धर से मर रही ने हूँ भी मर रही ने पर हूँ सरकार कंट्रोल कर रही है ताइयों पढ़ा रहे गल की है कि इन्हों का गला ना घुटया जाता पता लगे भी गला घुटया जाता क्यों घुटया जाता जो ये खादिया ने मांस खादिया ने तो इन्हों की बॉडी के बहुत ही ज़्यादा कॉमन जी दवाई आप पाने पशुओं कि एंडोसल्फान एंडोसल्फान दवाई पाने कि नहीं पाते तुम्हें पता होगा एंडोसल्फान दवाई पाने आप मझा का वास्ते उन्होंने दुध जी
उपजाऊ बनाओ कि बच सके दुध बच सके तो दुध गाढ़ा हो जाता फैट बच सके कहने का मतलब तो वो एंडोसल्फान दवाई पाते आप हूँ मान लो आप दुध पी लिया अपना तो गले मोटे ने ना फिर उसकी नाड़ा बढ़िया ने आपको फर्क नहीं पै रहा फर्क पै रहा परंतु लंबा समा फर्क पेगा जो अपने 20 साल हम नहीं बुढ़िया कहते हैं गोडे दुखन लग गए सानू की है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कारण की है खादा ये एंडोसल्फान वर्गिया दवाइया पर हूँ जो गिदा सगिया वो एंडो जो खादियाँ तो उन्होंने गला छोटा गा तो उन्होंने गले च एंडोसल्फान फस जाती एंडोसल्फान फस जाती जिदे करके दैट इज वड्डे पद्धर ते की हो रही ने मौत हो रही ने सरकार ने अज तो 2-3 साल पहला ये एंडोसल्फान दवाई को बैन करता सी हूँ भारत में एंडोसल्फान दवाई मिलती नहीं 2 नंबर ही मिल सकती है परंतु 1 नंबर से की आ बैन कर दिती गई है समझे गलों पर फिर भी हूँ सरकार फोकस करी भी किमें गिद्दां नूं बचाया जाए हूँ भाई रोक तो ला दी होर भी कुछ कर रहे हैं तो जिमें असं की कर रहे हैं साढ़े ना पंचकुले लाया पंचकुले की लाया एक सिस्टम लाया बल्चर का की करते हैं कि बल्चर फड़ते हैं बच्चे दैट इज़ की आते हैं तो उन्होंने बड़े ग्रो करके उन्होंने कर जंगल छड़ देते हैं एक तो ये कर रहे हैं आप समझे गलों हूँ एक नवा ही कर रहे हैं जीन बैंक बना रहे हैं जीन बैंक ही कि असी बल्चर तो जीन कढ लाँगे जीन कढ के लैबोरेटरी के विचकार की आदि वर्गे की बनावेंगे बल्चर बना समझ लगी मेरी गल करे होर एडवांस स्टेज पर आ गए आप जीन कट के बल्चर चों वो होर बल्चर बनावेंगे ताकि भारत में बल्चर की गिनती घट ना सके क्यों पुत्रों क्यों कर रहे हैं क्योंकि बल्चर भारत की वड्डी जी आबादी है ना उन्होंने की तरह सफाई कर दें जो तो मास खा गई तो सफाई अपने आप ही होगी जे खादियाँ नहीं इट मीन तो पिया कि हो जाऊ ऑलरेडी खराब हो जाऊ खराब हो जाऊ तो वो स्मैल की है वातावरण बग जाऊ वायरस होने जो वायरस ना ही की साड़ी बॉडी सह आवेंगे तो प्रॉब्लम आनगी तो सरकार दैट इज़ के बल्चर बचाने के काफ़ी ज़्यादा कर रही है काम कर रही है तो उम्मीद बल्चर का जीन बैंक बनाया जा रहा है पौसम भी कितने बनाया जा रहा साथियों बनाया जा रहा कर्नाटका दे शहर मैसूर ध्यान रख तो बल्चर जीन बैंक बनाया जा रहा कितने कर्नाटका दे शहर मैसूर दे दूजी गल की रखनी है कि पंचकुला के रीहैबिलिटेशन सेंटर इन कहते हैं रीहैबिलिटेशन कि भाई वो वो पालो पाल के जो बच्चे बड़े हो गए उन्होंने छोड़ो ताकि फिर वो आप ही रहने रीहैबिलिटेशन सेंटर कहते हैं ये बनया हुआ पंचकुले पहला तक पंचकुले रीहैबिलिटेशन सेंटर बनया हुआ तीजे नंबर पर साडा की आ गया बल्चर कादे करते मर रही ने एंडोसल्फान दवाई है जी कि दुधारू पशु में पाई जाती है ता कि फैट की है बस तीन चार गलत याद बस एक तो पढ़ी से आप आंसर देना मैं आप पढ़िया कि रोपवे बना रहे हैं अठ शहर के विचकार है ना रोपवे बना के दैट इज़ की है यातायात प्रोवाइड करने के स्टेट बना रहे रोपवे रोपवे हाँ जी शाबाश जी पढ़िया से रोपवे कि स्टेट बना रहा है हिमाचल प्रदेश बना रहा है पुत्रों के दैट इज़ के शहरों में शहरों जोड़ा जाए रोड बनाने औखे ने रोप्स राही दैट इज़ के एक थान दूसरी थान जाना की है उड़न खटोले नहीं होंगे अपने वो राही के जाया करेंगे हूँ तो आप मनोरंजन राही खुले जाते हूँ साधन बनाता शहर पहाड़ा वाले पास भी वो राही लोग जाया करें पाए पाए बंदे बैठ के उड़न खटोले के कर मुख करी जाते उन्होंने बना रहे एक आप पढ़िया भी सगा कि भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट प्योर हाइड्रोजन प्लांट कितने लाया जा रहा है कि राज विच भारत का हाइड्रोजन प्लांट लाया जा रहा है भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट पढ़िया हुआ अपना है नोई इट इज़ ना असाम दे विच कर लिख लो जो नहीं लिखा हुआ भारत का पहला हाइड्रोजन प्लांट कितने लाया जा रहा है असाम दे विच लाया जा रहा है बस लास्ट अज की न्यूज़ आ जी थोड़ा काम देगी राजा सीगा प्रेजिडेंट यू ए ई का प्रेजिडेंट सी यूनाइटेड अरब अमीरात इन्हों के राष्ट्रपति सीगे कौन शेख हलीफा नाम क्या शेख हलीफा हाँ शेख हलीफा बिन जायद शेख हलीफा बिन जायद अल महान एक बंदे ने शेख हलीफा बिन जायद अल महान
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਥੀਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ UAE ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰੰਤੂ ਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜਾਇਦ ਅਲ ਮਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਕੰਨਿਓ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ UAE ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਕੰਡੋਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। 70 ਈਅਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਖਲੀਫਾ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ UAE, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕੀ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰ